बोलिए सदगुरुदेव की जय। कौन शब्द से जी उबारा? धनदास जी एक बड़ी यूनिक बात पूछ रहे हैं साहब से कि संसार सागर में नाना मत हैं, नाना पंथ हैं, नाना मतांतर हैं, आखिर कौन सी शब्द से ये जीव उभरेगा? आखिर युक्ति क्या है? मनुष्य विवश है, बंदे को बंदा मिले गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अन्ना मिले तो राह बतावे कौन? किसी भी प्रयास से, किसी भी प्रयत्न से, किसी भी ताकत से ये जीव संसार से पार नहीं हो सकता। अगर पार होता तो फिर आपके अनंत जन्म हो चुके, फिर जन्म क्यों हो रहा है? बची हो एक उपाय, केवल एक ही उपाय है बचने का, और उपाय नहीं है। हालांकि अगर हम शास्त्रों को उठाएं तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने योग यज्ञ तप आदि सब पर महत्व दिया। वो कुछ खराब चीज़ें हैं ऐसा नहीं है, उनसे चार तरह की मुक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि अनंत मोक्ष की प्राप्ति करूं, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। काल पुरुष ने इस पूरे संसार को भ्रमित करके रखा है, इसको उलझाने के लिए ही ये चार मुक्तियाँ हैं। सामीप्य सालों के सारूप्य सायुज्य, इसी में आदमी चक्कर काटता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। कितने तप सी तप कर रहा है, अब यहाँ एक शब्द बोल रहे हैं साहब, कितने तप सी तप कर रहा है, बहुत घोर तपस्याएं की, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तप किया लेकिन इस संसार सागर से वो पार नहीं हो पाए। इतना मजबूती से इसको घेरा हुआ है। अब यहाँ एक शब्द कह रहे हैं साहब, बहुत जतन मुक्ति के कीना, मनुष्य बहुत जतन मोक्ष के कर रहा है, इतने इतने प्रयास करने के बाद भी संसार सागर से आदमी पार नहीं होता है। ऐसा नहीं है, हम धर्मशास्त्रों को झूठा नहीं बोल रहे हैं, उनमें भी उल्लेख है। चारों तरह की मुक्ति प्राप्त करके भी ये जीव पुनर्जन्म में आएगा। पुनर्जन्म विद्यते, और ये जन्म मरण का दुख अति भारी। आप एक चीज देखिए, आपके जीवन में कई घटनाएं हुई हैं और आप कुछ भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें भूल गए हैं। इसी तरह गर्भ में तूने किया था कोल, गर्भ में तूने किया था कोल, तुझे याद है कि नहीं याद है? ये जीव पार नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। कौन शब्द जीव बारा, यही शंका, यही बात धर्मदास जी कह रहे हैं। हे प्रभु, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने घोर तपस्याएं की, प्रगाढ़ साधनाएं की, तभी भी माया के चपेटे में आ गए, तो ये संसारी जीव इस कलयुग में घिरा हुआ माया से छल कपट भी कर रहा है, ये कैसे पार हो जाएगा? बड़ा सुंदर शब्द यहाँ साहब बोल रहे हैं, गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीना, गुप्त नाम विदेह मुक्ति को चीना, विदेह न हम दिया। अब वर्ड को समझिए, काया नाम सब है गोहरावे। अब काया नाम कैसे, हमने कहा गुलाब का फूल, तो गुलाब की काया आ गई कि नहीं आ गई? अगर हमने कह दिया मोरारजी देसाई, उनकी शक्ल आ गई कि नहीं? ये काया नाम है सब।
नाम विदेह कोई बदला पाए। इसलिए हे धर्मदास, जितने भी ये कृत्रिम नाम है उनसे मोक्ष नहीं हो सकता। नाम नाम सब जगत बखाना, पूरी दुनिया नाम 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 बोल रही है, पर नाम भेद कोई बदला जाना। आगे एक बहुत गहरा शब्द साहब बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है। आप देखें, आप दूर ना जाएं, अगर आप सहस्त्र नाम तो ब्रह्मा जी के भी है, सहस्त्र नाम विष्णु जी के भी है, सहस्त्र नाम शिव जी के भी है, सहस्त्र नाम आदि शक्ति के भी है, सहस्त्र नाम हनुमान जी के भी है। तो यहां साहब क्या कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में चिंते मुक्त नाम है। यहां साहब एक अपेक्ष कह रहे हैं, राम कहे जग मुक्ति पाए, खांड कहे मुख मीठा। वह साहब ने तो आसमान फाड़ करके बातचीत की है, यानी वो आगे क्या कह रहे हैं, करोड़ों नाम दुनिया के अंदर हैं, उनसे नहीं हो सकता है पार। फिर कैसा नाम है, गुप्त अकह अलेख, वो जिभ्या पर नहीं आ सकता, लिखा न जाए लिख भी नहीं सकते, पढ़ा भी न जाए पढ़ा भी नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं। कैसा नाम है, आप अनुभव कर सकते हैं, नाम दान की प्राप्ति के बाद आप अनुभव करते होंगे अति सूक्ष्म ताकत आपके साथ रह रही है, वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती चलती है। तो साहब कह रहे हैं, गुप्त वस्तु अकह नाम प्रभु मोह को दीना, गुप्त नाम प्रभु मोह को दीना, नाम विदेह मुक्ति को चीना, वो विदेह नाम है। बिन रसना, वो वाणी में नहीं आएगा, रसना मुख को कहते हैं। बस जो ताकत आपको मदद कर रही है आप समझ रहे हैं, लेकिन आप उसकी व्याख्या नहीं दे सकते हैं, आप बोल ही नहीं पाएंगे। यह विज नाम गए जो अंसा, तारु तास इकहत्तर वंशा, नाम डोर गए लो कह जाई, धर्म राय तह देख डराई। अब यहाँ आगे एक शब्द और बोल रहे हैं, नाम ध्यान, नाम ध्यान बल हंसा जाई, नाम और ध्यान की ताकत से ही ये जीव छूटेगा। ध्यान किसका, अब यहां भी एक प्रश्न उठा, कलयुग में गुरुआ लोग इन चीजों की व्याख्या नहीं कर पा रहे, ध्यान गुरु का। वेद का एक श्लोक इसका पर्याय है, पूर्ण विराम है, ध्यान मूलम गुरु रूपम, क्योंकि नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके, नाम गुण और रूप दोनों को खींच लेगा, नाम गुण और रूप दोनों आप तक ले आएगा। उदाहरण के लिए कहा गुलाब, गुलाब कहने के साथ गुलाब की आकृति भी आ गई और गुलाब की लहर भी आ गई। अगर कह दिया गंदी नाली कहने के साथ आपके पास घृणा भी आ गई और कहीं ना कहीं देखी हुई नाली की आकृति भी आ गई, यानी नाम रूप और गुण दोनों को खुलाता है। इसलिए गुरु का स्मरण भी बोला, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्यारे काल तुम करो बढ़ाई। ध्यान गुरु का, पिया नेम जस जिम कामने लागे, तिम गुरु रूप शिष्य अनुरागे। बड़ा उदाहरण देते हैं, जैसे पति का ध्यान हमेशा स्त्री रखती है, ऐसे ही हमेशा गुरु का ध्यान रखे, पल पल निखरे
निरखे गुरुमुख कांति, शिष्य चकोर गुरु शिष्य शांति। गुरुदर्शन का इतना बड़ा महत्व है वाणियों में। कोटिन तीरथ, एक तीरथ नहीं बोल रहे, दुनिया पढ़ लेती है उस पर करती नहीं है। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। एक तीरथ नहीं कह रहे, करोड़ों तीरथ। क्या बात है सहजो भाई, तो बहुत गहनता में बोल रहे हैं। गुरु न तजूं प्रभु को तज डारूं, गुरु के सम प्रभु को निहारूं। साहब की वाणी भी कह रहे गुरु के समान, मैं ईश्वर को गुरु के समान भी नहीं मानूंगी। गुरु बड़े आगे तर्क रख रहे हैं। हरि ने मुझसे आप छिपायो, प्रभु ने तो मुझसे अपने आप ही को छिपाया। गुरु ज्ञान दीप दे तहां लखायो, फिर हरि जन्म मरण अर्जायो, गुरु ज्ञानी करता है छुड़ायो। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं प्रभु को तज डारूं। वेद भी व्याख्या दे रहा है, कारण है इसको समझना है। क्योंकि आदमी पर तीन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, देखने का, सुनने का और सोचने का। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मिलत एक दारुण दुख देगी, बिछड़त एक प्राण हर गई। यानी कह रहे हैं मिलत एक दारुण दुख देगी, अचानक अजगर दिख गया या काला सांप दिखा तो कितना दुख हो गया। कोई भयंकर जीव और खूंखार जीव शेर दिख गया तो कितना भय आ जाता है। मिलत एक दारुण दुख देगी, बहुत जबरदस्त दुख दे देता है। बिछड़त एक प्राण हर गई, लेकिन प्रिय कोई है वो बिछड़ता है तो आपको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार से दर्श का दर्शन सफा दीदार नफा, बहुत बड़ा महात्म दर्शन का बोला। वो गुण और रूप दोनों आ जाते हैं। गुरु से अधिक काव नहीं जानी, धर्मदास पर कोई ये वाणी। गुरु से अधिक कोई नहीं दूजा, ईश्वर और आत्मा के बीच में गुरु बिचोला है। देखिए आदमी जमीन खरीदता है, रिश्ता करता है, एक बिचोला होता है। वो बिचोला जिम्मेदार होता है कि भाई जो जमीन तुम खरीद रहे हो मेरी गारंटी है सही है। इस तरह जब रिश्ता जो कराता है बिचोला, वो भी एक माध्यम है, कहता है मैं जानता हूँ ये परिवार अच्छा है। कभी भी गुरु के बिना उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये सिद्धांत अकाट्य है। पर यहाँ एक और चीज कही, बहुत गुरु है अस जगह माही, हरे दृप कछ संकट नाही। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ताप पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। दोनों बात साहब बोल रहे हैं, साहब दोनों बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं बड़े गुरु हैं दुनिया के अंदर, हरे हैं द्रव्य कुछ संकट नहीं, आपका संकट का निवारण नहीं करते हैं। इसलिए ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, पहले कन्विंस हो जाओ उसके बाद दीक्षा लो। कहे सुने दीक्षा मत लेना, वो विचलित हो गया जी। कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी मुझे कोई कहता है कि मेरे बेटे ने आपसे दीक्षा ली, वो अभी विचलित हो गया, फिर वो खाने पीने लग गया है, छोड़ दिया पंथ। मैं कहता है ये होता रहता है। साहब अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, 52 लाख को दीनों बीड़ा,
उस समय कोई साधन नहीं थे, साहब कहाँ कहाँ पहुँचे, मेरे लिए तो आसान है, मैं यहाँ से फ्लाइट लूँगा, पहुँच जाऊँगा 2 घंटे में। मेरे गुरुदेव तो साइकिल पर चलते थे, तो साहब कह रहे हैं 52 लाख को दीनों बीड़ा, साहब ने 52 लाख को कह रहे हैं दीक्षा दी। 36 लाख लगाए तीरा, इसका मतलब है साहब ने जिनको दीक्षा दी करीब 35% लोग विचलित हो गए। आप विचार करना, ये साहब की वाणी है, विरला जीव निसंशय हुई जरत प्रतीत गए गुरुदेव, इसलिए पूरा विश्वास चाहिए। कर प्रतीत मिला हूं तो ही आगे, फिर गुरु साहब तनाजा कर रहे हैं, गुरु बताए पूरब को चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की ट्राटरी कैसे मिले आए। तो इस तरह यहाँ साहब वाणी में कह रहे हैं ताते प्रथम परीक्षा कीजिए। अब परीक्षा का भी सूत्र साहब दे रहे हैं, धर्मदास जी पूछ रहे हैं कैसे सदगुरु को पहचानी, सदगुरु कहो मोह सैदानी, कह रहे हैं गुरु की पहचान बताओ, हमें तो कोई पहचान नहीं है। बड़ा यूनिक सवाल है। तब बोला फिर उसकी शरणागत हो जाना, शरणागत जब भी हो जाता है, जो अगर पूर्ण गुरु है तो उसकी सुरक्षा पूरी देता है। तो धर्मदास जी पूछ रहे हैं कैसे सदगुरु को चिन्ही, चिन्हना कहते पहचाने। अब यहां साहब वाणी में उल्लेख कर रहे हैं गुरु के लक्षण कह दूं, एक पूर्ण गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनना, सुन लीजिए धर्मदास। आगे साहब वाणी में बोल रहे हैं कहता हूं हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला, हेला फरमान पहचान, कह रहे हैं मैं बता रहा हूं गुरु की भी चेले की भी। चेले की पहचान बोल रहे हैं तन मन धन सब गुरु पर वारे, द्वितीय भाव न हृदय पेखे। वाह, गुरु साहेब एक कर जाने, दूजा भाव न हृदय आने, और कैसा गुरुमुख सदा शब्द सदा उड़ राखे, उर हृदय को कहते हैं। जब लग तन में प्राण रहाई, निरखे शब्द अंतर न जाए। यहाँ कौन भटकते हैं वो बताता हूँ। कभी कभी मेरे खास कार्यकर्ता अच्छे सेवक भी अपने माई बाप को लाते हैं जिनकी बुद्धि अभी नहीं काम कर रही है, कह रहे हैं नाम दे दो, अब वो मुझे लपेटे में कैसे लेते हैं, कहते हैं नहीं तो गुरुजी बाकी भाई नाम लिए हैं इसको फिर कर्मकांड में उलझाएंगे, इसलिए इसे दीक्षा दे दो। मरता क्या न करता, मजबूरी में उनको दीक्षा देनी पड़ती है। जिसका दिमाग ही नहीं है उसको क्या दीक्षा देनी है, यानी जो पागल है उसको क्या दीक्षा देनी है, लोग पागलों को भी ले आते हैं। कच्चा जीव विचलित हो जाए, मैं एक उदाहरण कई बार दे चुका हूं। एक परिवार है काफी गुरुमुख है, उनके सब परिवार के लोग दीक्षित हैं, बड़ा परिवार है। एक बूढ़ा है उनका दादा दूसरे पंथ से जुड़ा है, लेकिन वो भूत प्रेतों को मानता है,
उस पंथ में लोग हत्या मानते, हमारे यहाँ नहीं मानते। तो वो ढोल, सियाने चेले आकर ढोल बजाते हैं घर में, जबकि उन्होंने गांव के काफ़ी लोगों को दीक्षा दिला दिया। मुझे कहने लगे, गुरुजी एक कृपा करो, ये हमारा बाप जो है ये 60 साल से एक पंथ से जुड़ा है, 60 साल से, लेकिन भूत प्रेत मानता है, सियाने आते आकर ढोल पीटते हैं और ये चौकी करता है, ये सब चीज़ें हैं, इससे हमें एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत ये होती है कि लोग कहते हैं, भाई तेरे घर खुद तांत्रिक और चेलों का ढोल बज रहा है। वो मानता नहीं है, तो बोलता है 60 साल हो गए मुझे दीक्षा दिए, इससे क्या फायदा जब तुम उस नियम पर ही नहीं हो। बोला, गुरुजी उसको मत देखो, आप कृपा करो। मैं कहा, उसको समझाओ लाओ सत्संग में। बोला, नहीं आता है, ठीक है चलो। वो बड़ी मुश्किल से उसको मनाया बुड्ढे को। अब वो बुड्ढा क्या बोल रहा है, गुरुजी इच्छे आकर राम देगा तब लूँगा। वो नवाब का पुत्र बोल रहा है, इच्छे आकर जब दीक्षा देगा तब लूँगा। मैं कहा, ये नियम नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुजी उसको मत देखो, हमें देखो। अब वो अड़ गया है, ऐसा लग रहा था जैसे वो दीक्षा नहीं लेगा तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी पूरी। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुजी अड़ ली है उसने, चलो घर चल कर दीक्षा देना लेना। अनचाहे मैं उनके घर पहुंच गया। जब घर में पहुंचा, बुड्ढा एक खटिया पर बैठा था। खटिया की ये हालत थी कि अद्धा दिख रहा था बुड्ढा, खटिया ढीली थी। अब नवार की खटिया है, बाण की खटिया उसको तानते हैं ना, वो तानने भी नहीं देता, बैठा था कमरे में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे यूँ लगा कोई भूत बैठा हुआ है, बंदा नहीं बैठा है। कमरे में बीड़ी सिगरेट की इतनी बदबू थी कि मैंने दिल में सोचा कि मैं किसी बीड़ी के कारखाने में आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं है, पोत्रू दोत्रू बेटे सब दीक्षित थे, पूरा परिवार। मैंने कहा, बाबा दीक्षा लोगे? बोला हाँ। तो ये नियम पालन करना पड़ेगा, फिर चेले चपटे ढोल कूटना पड़ना नहीं है, वो एक भ्रम है। बोला ठीक है। मैं बोला, फिर मंजे के थल्ले आ जा, क्योंकि मंजे पर दीक्षा नहीं दी जाती है। दीक्षा दे दी, दुनिया बड़ी निराली है। बहाना, विरोध करने वाला बहाना ढूंढता है। थोड़े समय बाद बुड्ढा चल बसा, वो तो जाना ही था, हर एक आदमी आए हुए थे। उन पंथ के लोगों ने शोर मचाया, देखा उससे साहब से नाम लेते ही मर गया वो। मैंने कहा, भाई मैं मोर देन 2 मिलियन लोगों को नाम दिया, सब तो जिंदे हैं। यानी जिसने खुरापात करनी है ना, वो करता ही करता है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो साहब कह रहे, गुरु को धड़ करके पकड़े, गुरुमुख शब्द सदा उड़ रखे। दूसरा बोल रहे, वाह, झबलक तन में प्राण रहे, गुरुमुख की ये सहदानी है। निरखे शब्द अंतर न जाए, गुरु शब्द अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं, जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश जग कही। यानी गुरु शब्द पर चलना सबसे बड़ी उपासना है। अब गुरु शब्द क्या है? दीक्षा देते एक गुरु और शिष्य में करार होता है, गुरु नियम बताता है जैसे साथ उनका पालन करे, और साथ में आपको कहा एक ही परमात्मा की उपासना करना। कुछ नियम बताए उनका पालन करे, आगे साहब हिदायत देते हैं, गुरु बताए पूरब को, पूरब मेरी उंगली की तरफ है,
कुछ पूरब को इधर बताते हैं, चेला पश्चिम जाए, पश्चिम मेरी पीठ की तरफ है, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए, तो साहब कह रहे हैं वो पक्का गुरमुख हो। पतिव्रता जो पतिव्रत ठाने, अब यहाँ एक संदेश देते हैं देने, जैसे पतिव्रता, पतिव्रता वो है मन वचन कर्म से किसी की तरफ ध्यान नहीं देगी, मन भी नहीं जाना चाहिए। सतयुग में मानस पाप लगता था, अगर आपने किसी के लिए मन से भी सोच लिया बुरा तो आपने सोचा आधा बुरा कर दिया है, इसलिए पतिव्रता का ध्यान ही नहीं जाता दूसरे पुरुष की तरह, मन वचन कर्म से, न वाणी से, न क्रिया से, न अपना मन से। द्वितीय पुरुष सपने नहीं जाने, जो पतिव्रता प्रिय मन लावे, गुरु आज्ञा अशिष्य जुगावे, ऐसा रहे। ये नहीं है कि थोड़ा बुखार हो गए और रिश्तेदारों ने कहा कि हत्या आ गई है मना लो, और वो उसके कहने से हत्या मनाने लगा, काम नहीं बनेगा। फिर जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। गुरु से अधिक और कोई ना आए, धर्मदास पर कोई माए, गुरु की सेवा बोला। अब लोग क्या कह रहे हैं, ये कहता है मैं भगवान हूँ, मैं कभी बोला ही नहीं है, मैं तो साहेब साहेब बोल रहा हूँ। पर गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, ये तो वेद भी कह रहे हैं, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लेकिन वो ठेलुआ लोग निर्गुणे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो क्रिटिसाइज करना ही करना है। तू नाम सुमर जग लड़ने दे, गुड़ से अधिक कोई नहीं जाए और नहीं कोई, धर्मदास पर कोई माए, गुरु से अधिक कोई। साहब ने तो विराम लगा दिया, गुरु को ईश्वर के बराबर थोड़ी बोला है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार हैं, गुरु सुमरे सुपार। गुरु से अधिक कोई नहीं दूजा, धर्म तज कर सदगुरु पूजा, तीर्थ धाम देवल और देवा शीश अर्पित जो लावे सेवा, तीर्थ धाम में जाए और शीश भी अर्पित कर दे तो नहीं वचन कहे हितकारी, भूले भरम में ये संसारी। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये जग कही, सदगुरु दया जय संत पर ते हृदय यह विद आवही, मम गिरा पर खे ये तिमिर मोह नशावही। कहते हैं गुरु कृपा से हृदय प्रकाश है। अरे भाई गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला, दीपक सदगुरु ज्ञान निर्खो संत अजोर तो है, पावे मुक्ति अमान सदगुरु जय दया करे। हरि कृपा जो हुए तो नहीं हो तो ना है, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि भय, ये शिष्य का धर्म बोला। विचलित नहीं होना, दुख सुख आते हैं। अब गुरु के लक्षण कह रहे हैं, गुरु के लक्षण कहते हूँ सुनो धीर चितला है। भैया जौहरी जानता है हीरे को, हाथ में लेते ही बताएगा असली है गलत है। सुनार जानता है सोने, एक सुनार को मैंने कुछ दिया, मैं कहा भैया ये देखो, मैं सोचा कसौटी पर देखा, कसौटी पर नहीं देखता है जल्दी, हाथ में लेते ही कहा ये नकली है। उसने हाथ में लेते ही कहा ये नकली है। कहा ये नकली है, मैंने कहा भाई सोनी जी कैसे पता चला आपको ये नकली है। बोला गुरु जी सोना भारी होता है। दूसरा शब्द बोल रहे गुरु के लक्षण कहते हैं।
प्रथम निर्वासना विषय में न जाए। सुनो, आखिर 1000 साल तप करके आया पराशर जी, मच्छोधरी से सहवास करने के साथ पूरा तप क्यों खत्म हो गया? 1000 साल की हुई तपस्या एक बार रति क्रिया संभोग करने से खत्म हो गई, कारण क्या है? 1000 साल तप किया, मच्छोधरी से संभोग करने के बाद उसका तप खत्म हो गया। मैंने एक बात बोली है, जिस इंसान को फिट्स का दौरा आता है कभी भी अकलमंद नहीं हो सकता है। क्योंकि फिट्स का दौरा आने पर जो हाई शिवरिंग होती है उसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं और जो हमारी मेमोरी की कोशिकाएं इतनी ज़्यादा शिवरिंग करती है कि डिसबैलेंस हो जाती है, कुछ उसके याद ही नहीं रहेगा, तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ा कि नहीं? वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट आदमी की पहली पहचान मेमोरी टॉप होना चाहिए, ठीक है? बुद्धि का धरातल है वो। इसी तरह पराशर का तप क्यों नाश हुआ? 1000 साल तप किया, 1 सेक्स करने के साथ खत्म हो गया। इस पर कोई चिंतन ही नहीं करता है। जब आदमी एकाग्र होकर के अध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं भी उसकी स्थिर हो जाती है, लेकिन जब सेक्सुअल साइड में चला जाता है तो पागल की तरह हो जाता है ब्रेन। वो पूरी कोशिकाएं उस समय भी शिवरिंग करती है। वो कितनी शिवरिंग करती है देखिए, बलात्कार पास्को में तो आजीवन कारावास और मौत की सजा भी है, तभी भी कर रहे हैं वो, तभी भी कर रहे हैं। उस समय पूरी ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो डिसबैलेंस हो गई। इसलिए जब पूरी डिसबैलेंस हो जाती है उसका, इस कारण से तप खत्म हो गया। इसलिए एक पहला गुरु हो निर्वासना, सेक्स नहीं करो। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, तन मन बाकू दीजिए, जाको विषय आना है।